हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल थिंकर्स में अभी हम बात करेंगे नेल नॉर्डिंग्स की, जो आपको यहाँ पे लेडी दिख रही हैं, यही हैं नेल नॉर्डिंग्स। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इनकलकेट लर्निंग को। और अगर नेल नॉर्डिंग की बात करें सो ऑब्वियसली ब्यूटिफुल लेडी, उनकी एक थिंकिंग है कि एजुकेशन फॉर केयरिंग के बारे में, और इससे रिलेटेड जो है आप इनकी कोई इंटरव्यू भी इनका देख सकते हैं। एक 1 आवर का इंटरव्यू आपको मिल जाएगा नेल नॉर्डिंग ऑन एजुकेशन फॉर केयरिंग। ठीक है, बाकी चीज़ें हम बात करेंगे ही। अगर इसके बाद भी आपका इंटरेस्ट हो, आप इनको सुनना चाहते हैं, सो आप यूट्यूब पे कोई इंटरव्यू देख लीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। सो नेल नॉर्डिंग्स की अगर बात करें सो शी इज़ अमेरिकाज बेस्ट फिलोसोफर, ऐसा बोल लीजिए। एजुकेशनलिस्ट हैं ये। 1929 में यूनाइटेड स्टेट में इनका जन्म हुआ था। बैचलर्स की इन्होंने मैथमेटिक्स में, देन मास्टर्स भी की मैथमेटिक्स में, फिर पीएचडी की इन्होंने एजुकेशन में। सो यहाँ पे एक शिफ्ट आया कि ये एजुकेशन में जो है वो शिफ्ट हो जाती हैं। स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में इन्होंने की 17 साल। इन्होंने फिर प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल में भी काम किया जहाँ इन्होंने मैथ्स पढ़ाया। प्रोफेसर भी जो ये हैं रही हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की, और रिटायरमेंट के बाद फिर इन्होंने कोलम्बिया यूनिवर्सिटी जो है वो ज्वाइन की। ठीक है, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है एजुकेशनल डेवलपमेंट का बताया है, और उन्होंने बहुत काम किया है अपलिफ्टमेंट ऑफ एजुकेशन पे। अगर इनके मेजर काम को देखा जाए, मेजर वर्क जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हो जाते हैं यूजीसी नेट में, सो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इनकी बुक है, एजुकेटिंग फॉर इंटेलिजेंट बिलीफ और अनबिलीफ, ये भी इन्हीं का काम है जो इन्होंने 1995 में किया। और ये दोनों ही काम पीपल को, लोगों को एनकरेज करते हैं कि फिलोसोफिकली आप एजुकेशन में एंगेज होइए। ठीक है, इनका मेजर काम जो है जिसके लिए ये जानी जाती हैं वो है केयरिंग के लिए। केयरिंग द फेमिनिन अप्रोच ऑफ एथिक्स। सो इनका ये काम जो है उसमें एनालिसिस किया गया है केयरिंग का एंड इट्स प्लेस इन एथिक्स, और केयर का एथिक्स में क्या लेना देना है। और ये वही केयरिंग है जो आप सोच रहे हैं। इट्स लाइक आप अपने पेरेंट्स की केयर करते हैं, वो आपकी केयर करते हैं, या म्यूचुअली जो चीज़ें होती हैं, या फ्रेंड्स की केयर करते हैं। सो एक केयरफुल और अच्छा इंसान बनाने की बात अगर एजुकेशन में हो तो जो है इनको जाना जाता है कि मतलब आपको केयर करनी है, कि एक केयरफुल, एक मतलब केयरिंग जो है इंसान आपको क्रिएट करना है जब आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं एजुकेशन के थ्रू। सो केयर को एजुकेशन में इंक्लूड किया जाना चाहिए। वुमेन एंड एविल भी इन्हीं का काम है। इसमें क्या अटेम्प्ट है कि एविल क्या होता है, एविल के ऊपर रीथिंकिंग है किस प्रस्पेक्टिव से, एक वुमेन के प्रस्पेक्टिव से। द चैलेंज टू केयर इन स्कूल्स, एजुकेटिंग मॉरल पीपल, हैप्पीनेस एंड एजुकेशन, ये इनकी सीरीज ऑफ बुक्स हैं जो कि मतलब एक्सप्लोर करती हैं इम्प्लीकेशन ऑफ अ कंसर्न फॉर केयरिंग विद एजुकेशन। स्टार्टिंग एट होम, केयरिंग एंड सोशल पॉलिसी, ये भी एक्सप्लोर करती है वेलफेयर पॉलिसी को, लाइक इफ केयरिंग अ वे ऑफ लाइफ लर्न इन होम्स इज प्लेस एट इट्स सेंटर। तो पॉइंट ये है कि केयरिंग से रिलेटेड इनका काम जो है वो ज़्यादा जाना जाता है, और ये जो इसीलिए ये जो बुक्स के नाम या जो ये पब्लिश्ड वर्क आपको दिख रहा है, ये नाम आपको ध्यान रखने ज़रूरी हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। अगर एजुकेशनल फिलोसफी की बात करें सो उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो एजुकेशन के फील्ड में दिया है। इनकी एक्सप्लोरेशन किस बारे में है, एथिक्स ऑफ केयर, और उनका रिलेशनशिप किसके साथ, स्कूल के साथ, स्कूलिंग के साथ, वेलफेयर के साथ, लर्निंग और टीचिंग विद इन द फैमिलीज या फिर लोकल कम्युनिटीज के साथ, तो वो सारी चीजें जो हैं इन्होंने एक्सप्लोर की हैं। शी हैज बीन एबल टू डेमोन्स्ट्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ केयरिंग एंड रिलेशनशिप बोथ हैज एजुकेशनल गोल एंड फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। सो ये डेमोन्स्ट्रेट करती हैं बहुत अच्छे से केयरिंग का क्या सिग्निफिकेंस है एजुकेशनल गोल्स में, और ओवरऑल फंडामेंटल एस्पेक्ट जो होना चाहिए एजुकेशन का उसमें। सो तीन चार चीज़ें हैं जो आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। केयरिंग पे इन्होंने बात की है, केयरिंग से रिलेटेड, फिर इन्होंने एम्पथी की बजाय सिंपथी की बात की है, और इन्होंने डिस्टिंग्विश किया या डिफ्रेंशिएट किया है केयरिंग फॉर और केयरिंग अबाउट में, कि दो चीज़ें होती हैं, केयरिंग फॉर होता है, केयरिंग अबाउट होता है, और एक केयर थियरी फिर इन्होंने इस बेसिस पे दी।
सो नेल नोडिंग्स जो है वो एजुकेशन को कैसे देखती हैं, एक सेंट्रल कल्टीवेशन देखती हैं ऑफ केयरिंग इन द सोसाइटी, कि सोसाइटी में केयरिंग को डेवलप करने के लिए कि एक केयर जो है केयरफुल ह्यूमन बीइंग आप डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पे एजुकेशन की वजह से ये चीज़ हो सकती है, ऐसा इनका मानना है। और उन्होंने एजुकेशन को कैसे डिफाइन किया है, कॉन्स्टिलेशन ऑफ एनकाउंटर्स यानी प्लान्ड अनप्लान्ड, तो ये सारी चीजें ना एनकाउंटर्स का एक जो है वो लगा लीजिए आप, ब्रह्मांड इसको बोलती हैं एजुकेशन को, ये जो कि ग्रोथ को प्रमोट करेगा कैसे, बाय एक्विजिशन ऑफ नॉलेज स्किल अंडरस्टैंडिंग और अप्रिशिएशन। तो नॉलेज स्किल अंडरस्टैंडिंग और अप्रिशिएशन को जब आप एक्वायर करते हैं तो एक जो ग्रोथ प्रमोट होती है आपकी, चाहे वो प्लान्ड हो अनप्लान्ड हो, तो ये सारा ओवरऑल मिला के क्या बोलती हैं, ये एजुकेशन है। अब एजुकेशन में इन्होंने दो चीजें बोली, सिंपथी एंड केयरिंग। ओके, तो ये केयरिंग की बात करती हैं, तो केयरिंग एक्चुअल में है क्या, ठीक है, सो उसका मतलब ये कि इसको लेके चलती हैं, सिंपथी को लेके चलती हैं कि आप किसी का ध्यान रख रहे हैं या किसी के लिए कंसर्न है वो सिचुएशन। ऑल्दो ये एम्पथी वर्ड से काफी कॉशियस है, इनका ये था कि पिक्यूलियर मतलब स्पेसिफिक रूप से वेस्टर्न और मैस्कुलिन माना जाता है, वेस्टर्न में मतलब वेस्ट साइड में जहां पे ये हैं ऑब्वियसली, यू नो, तो वेस्ट में क्या माना जाता है कि ये जो वर्ड है जैसे जेंडर बेसिस हो जाते हैं ना, वैसे ही एम्पथी वर्ड को मैस्कुलिनिटी से जोड़ा जाता है, इसलिए इन्होंने एम्पथी के बजाय सिंपथी वर्ड यूज किया है। सो इंस्टेड शी प्रेफर टू talk about sympathy, feeling with as more nearly capturing the affective state of attention in caring. So, वो जो affective state है caring की, attention की, उसको ये sympathy लेके चल रही हैं। अब जो इन्होंने differentiate किया है caring about और caring for में, so caring for का क्या मतलब है कि आप किसी के लिए care कर रहे हैं, तो caring for के लिए आपका एक relationship होना जरूरी है उस इंसान के साथ। मान लो parents बच्चे की care कर रहे हैं तो वो caring for है, but caring about, so we care about किसके बारे में बात कर सकते हैं, हम वेदर के बारे में भी बात कर सकते हैं, केयरिंग अबाउट की दुनिया में जो है बहुत गरीबी है या पुअर पीपल है कि कैसे रहते होंगे वो, तो वो कंसर्न वो क्या है, केयरिंग अबाउट है। बट केयरिंग फॉर के लिए क्या है, हमें एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप की जो है वो जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो डायरेक्टली जब आप केयर करते हैं एक दूसरे के लिए, पर्सन केयर्स डायरेक्टली फॉर अनदर, तो दूसरे के लिए डायरेक्टली जब केयर करें तो वो एक रिलेशनशिप, इसमें मेजर डिफरेंस यही है, केयरिंग फॉर में एक रिलेशनशिप होना जरूरी है और केयरिंग अबाउट इज लाइक यू कैन, यू केयर अबाउट वेदर, यू केयर अबाउट पुअर पीपल अराउंड यू, यू केयर अबाउट एवरीथिंग ना, सो आप कंसर्न हैं किसी चीज के लिए, वो केयर अबाउट है। इसी से केयर थियरी निकल के आती है जो कि रिलेशनल थियरी है। रिलेशनल थियरी क्यों बोला, बिकॉज एटलीस्ट टू पीपल आर रिक्वायर्ड, सो दो लोगों की जरूरत इसमें पड़ेगी, एक केयरर और एक केयर्ड फॉर, यानी एक जो केयर कर रहा है केयरर, और एक केयर जिसके लिए कर रहा है केयर फॉर, केयर्ड फॉर, ठीक है। अगर वो केयर्ड फॉर रिकग्नाइज ना करे उस अटेम्प्ट को, फॉर एग्जाम्पल मान लो पेरेंट्स बच्चे की केयर करते हैं बट बच्चे को वो चीज, वो अटेम्प्ट जो है वो फील नहीं हो रहा, वो रिकग्नाइज ही नहीं करता कि पेरेंट्स केयर करते हैं, सो वहां पे जो है वो कोई भी रिलेशनशिप जो है वो नहीं बचता, देन देयर इज नो रिलेशन। सो ये केयर थियरी है इनकी। उसके बाद अगर बात करें तो ये होम को यानी स्कूल के साथ साथ, स्कूल को ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट मानती है बट होम को ये एक प्राइमरी एजुकेटर की तरह देखती है, ठीक है, जिसमें ये कुछ चीजें बोलती हैं, दैट एवरी चाइल्ड शुड लिव इन अ होम दैट हैज एटलीस्ट एडिक्वेट मटीरियल रिसोर्सेज एंड अटेंटिव लव। सो जहाँ पे मतलब बच्चे की जो, बच्चा को वहां रहना चाहिए, हर एक बच्चे को वो एनवायरमेंट मिलना चाहिए जहाँ पे लीस्ट एटलीस्ट एडिक्वेट मटीरियल रिसोर्सेज है प्लस अटेंटिव लव है कि आपको प्यार केयर अटेंशन मिल रही है, ठीक है। दूसरी चीज इन्होंने बोली, स्कूल शुड इंक्लूड एजुकेशन फॉर होम लाइफ इन देयर करिकुलम। तो स्कूल को भी मतलब एजुकेशन घर पे कैसी होगी होम लाइफ से रिलेटेड, सो वो भी करिकुलम में इंक्लूड करनी चाहिए। तीसरा इन्होंने बोला, जब ये होम को प्रायोरिटी दे रही है प्राइमरी एजुकेटर की तरह, तो स्कूल शुड एज फार एज पॉसिबल यूज द सॉर्ट ऑफ मेथड्स फाउंड इन बेस्ट होम्स टू एजुकेट। तो हम अच्छे होम्स, जो बेस्ट होम्स हैं वहां पे हम एजुकेशन कैसे दे सकते हैं वो हमें पता चलेगा अगर स्कूल जो है वो दूर है एज फार एज पॉसिबल। सो ये तीन एलिमेंट की इन्होंने थोड़ी सी बात की, पॉइंट यही निकल के आता है कि इनके कॉन्सिक्वेंसेज भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि फायदे ही फायदे हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे, बट ये होम को भी एक प्राइमरी एजुकेटर की तरह देखती हैं। अब इन्होंने आर्ग्यू किया कि एजुकेशन के केयर परस्पेक्टिव से
चार की कंपोनेंट्स की इन्होंने बात की, एक क्वेश्चन यहाँ से आने के भी चांसेस हैं कि ये चार परस्पेक्टिव या चार कंपोनेंट कौन कौन से हैं। सो मॉडलिंग, डायलॉग, प्रैक्टिस और कन्फर्मेशन। अब ये होते क्या हैं? सो अगर मॉडलिंग की बात करें हम, सो विद इन अ केयर परस्पेक्टिव अगर बात करें तो एजुकेटर्स जो हैं वो कंसर्न रहते हैं ग्रोथ ऑफ, किसकी ग्रोथ? केयरर्स की भी और केयर्ड फोर्स की भी। सो एजुकेटर्स हैव टू शो इन देयर बिहेवियर व्हाट इट मींस टू केयर। सो एजुकेटर को ये दिखाना पड़ेगा कि जैसे इन्होंने बोला कि केयर मतलब ये एक तरीके से सिंपथी भी लेके चल रही है, ठीक है। सो वैसे ही जो एजुकेटर है उसको बताना पड़ेगा कि हाँ केयर का मतलब वो बिहेवियर में शो भी होना चाहिए। सो वी डोंट मेयरली टेल देम टू केयर एंड गिव देम टेक्स्ट टू रीड ऑन द सब्जेक्ट, we demonstrate our caring in relationship with them. So conclusion क्या है कि जब आप education की बात करेंगे तो आप बच्चों को कोई भी चीज़ जब सिखा रहे हैं so आप वो demonstrate करके सिखाइए, एक model के रूप में सिखाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ theory दे दी, text दे दिया, पढ़ लो, हो गया, learn कर लो, ऐसे वाली चीज़। So उसको ये support नहीं करती। So एक तरीके से demonstration और modeling को ये support करते हैं कि अगर आप care कर रहे हैं, you care for them, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। You don't merely tell them to care, आपको वो चीज़ दिखानी पड़ेगी, जताना पड़ेगा। तो ये मॉडलिंग है। डायलॉग इज लाइक टॉकिंग अबाउट दैट केयर, मतलब आप अगर केयर करते हैं किसी की तो आपको वो बात करनी पड़ेगी, वो डायलॉग के थ्रू चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तभी पता चलेगा कि जो केयर्ड फॉर है वो उस केयर को रिकॉग्नाइज भी करता है या नहीं करता, ठीक है। सो इंटेंट इज टू एंगेज पीपल इन डायलॉग अबाउट केयरिंग। सो एज नेल नॉडिंग्स हैज पॉइंटेड आउट, डायलॉग इज सच एन असेंशियल पार्ट ऑफ केयरिंग दैट वी कुड नॉट मॉडल केयरिंग विदाउट एंगेजिंग इन इट। तो हम वो डेमोन्स्ट्रेट या वो मॉडल का जो फर्स्ट स्टेप हमारा वो हम कर ही नहीं पाएंगे जब तक हम डायलॉग में एंगेज नहीं होंगे, जब तक बातचीत नहीं होगी, ठीक है। इन एडिशन इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू टॉक डायरेक्टली, तो आपको डायरेक्टली बात करनी है अबाउट एंड एक्सप्लोर आर केयरिंग, कि अलग अलग तरीके जो केयरिंग के होते हैं आप बात करेंगे तभी तो पता चलेगा, राइट। सो इन अदर वर्ड्स इट ऑल्सो sorry it allows us to evaluate our attempts to care. As we try to care, we are helped in our efforts by the feedback we get from the recipient of our care. So वो बातचीत जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है, डायलॉग जो है वो बहुत जरूरी है, स्पेशली किसकी ग्रोथ के लिए? केयर्ड फोर्स की ग्रोथ के लिए, यानी जो जिनकी केयर, जो केयर की जा रही है जिनकी, तो वो बातचीत जरूरी है, तभी वो बता पाएंगे, वो रिकग्नाइज भी करते हैं नहीं करते, वो क्या सोचते हैं इस बारे में, तो वो डायलॉग होना जरूरी है। और उसके बाद प्रैक्टिस होना जरूरी है। तो ये आर्ग्यू करती हैं कि एक्सपीरियंसेस जो भी होते हैं हमारे, वो मेंटालिटी में, जब हमारी मेंटालिटी बन जाती है तो वो हमारे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे होता है, और वो कब होंगे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज की। सो इफ यू वॉन्ट टू प्रोड्यूस पीपल हु विल केयर फॉर अनदर, देन इट मेक्स सेंस टू गिव स्टूडेंट्स प्रैक्टिस इन केयरिंग एंड रिफ्लेक्शन ऑन दैट प्रैक्टिस। सो वो प्रैक्टिस जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे लोग प्रोड्यूस करें, ऐसे पीपल प्रोड्यूस हों जो कि केयर करते हैं दूसरे की। सो जो केयरिंग ह्यूमन बींग प्रोड्यूस करने की, डेवलप करने की बात की जा रही है, वो किससे आएगा? फिर प्रैक्टिस से आएगा। एंड लास्ट इनका फोर्थ कॉम्पोनेंट है एजुकेशन का, वो है कन्फर्मेशन। सो दिस पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट इट इज सजेस्टेड sets caring apart from other approaches to moral education in making her case. Nell Nordings draw particularly किसके काम के ऊपर बताती है ये? Martin Buber, जो कि क्या बोलते हैं, he describes confirmation as an act of affirming or encouraging the best in others. तो आप जब confirmation करते हैं उस चीज की, तो आप जो है दूसरे को भी encourage कर रहे हैं care करने के लिए, और best जो है वो दूसरे का वो निकालने के लिए help करेंगे आप, ठीक है। Nell Nordings also believe that students should learn the knowledge skills necessary to help them to navigate world around them while simultaneously caring for children, the elder, animals and environment. So हमें ऐसा human being, ऐसे students जो हैं वो इस तरीके से बनाने हैं, उनको जो वो क्या सीखे, मतलब education से उनको क्या सीख मिले, knowledge हो, skills हो, ताकि वो help कर पाए आसपास की, केयर कर पाए बच्चों की, बड़ों की, एनिमल्स की, एनवायरमेंट की। सो हमें एक केयरिंग ह्यूमन बीइंग जो है वो प्रोड्यूस करना है। सो ये केयरिंग वर्ड जो है वो नेल नॉडिंग से जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा आप। शी रिफ्लेक्ट्स ऑन टू वेज, जब दो थीम्स की बात करती हैं, थीम ऑफ केयर्स जो कि स्कूल में एग्जिस्ट कर सकती हैं। एक तो है कि आपने थीम को जो है क्या ले लिया, सेंटर में ले लिया, और उसके अराउंड, मतलब केयरिंग को एक थीम लिया, थीम, थेमेटिक यूनिट्स ऑफ केयर, और उसके अराउंड आपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो बना दिए,
ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा रीना जो बात करती है कि सब्जेक्ट्स जो हैं आपके उन सब में केयर इंक्लूड होनी चाहिए, कि सब्जेक्ट्स आप मॉडर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, मॉडर्न डिसिप्लिन के हिसाब से इंक्लूड कीजिए, लेकिन उन सब्जेक्ट्स में केयरिंग का कॉन्सेप्ट इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, करिकुलम की अगर ये बात करें तो ये स्ट्रेस करती है इंपॉर्टेंस ऑफ अडेप्टिंग करिकुलम टू फिट द पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मेकिंग कोर सब्जेक्ट्स एप्लीकेबल टू रियल लाइफ सिचुएशंस। तो जो कोर सब्जेक्ट्स होंगे वो रियल लाइफ सिचुएशन से मेल खाते हुए हों, यानी वो जो एजुकेशन है वो काम आनी चाहिए रियल लाइफ में। स्टूडेंट शुड नॉट बी फोर्स्ड इन टू लर्निंग फ्रॉम स्पेसिफिक करिकुलम। तो फोर्स नहीं करना है हमें, प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स जो हैं, जो कि वेल इन्फॉर्म्ड हैं बच्चे कि उनको ये सिखाई जाएंगी, तो वो फोर्स करने की बजाय हमें क्या, एक स्पेसिफिक करिकुलम फोर्स नहीं करना है, हमें अडेप्ट करवाना है उनको प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स से, वो चीज़ें पढ़ानी है उन्हें, ताकि, और वो भी ताकि एक वेल इन्फॉर्म्ड चॉइस जो है वो बाद में बना पाए। कंक्लूजन अगर हम बात करें तो नेल नोडिंग्स क्या बिलीव करती हैं, दैट एजुकेशन शुड बी प्रोड्यूस ए कॉम्पिटेंट केयरिंग और लवेबल पीपल। लवेबल आएगा ये, ठीक है। सो लवेबल पीपल जो है वो हमें क्या करने हैं, प्रोड्यूस करने हैं। सो हम बोल सकते हैं कि इनका कॉन्ट्रीब्यूशन एक एजुकेटर की तरह, एक फिलोसोफर और एक राइटर की तरह काफी अहमियत रखता है और एक ग्रेट सिग्निफिकेंस जो है वो रखता है। सो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकल के आता है कि एक लवेबल कॉम्पिटेंट केयरिंग पीपल जो है वो हमें प्रोड्यूस करने हैं एजुकेशन से। ये मेजर एम होना चाहिए एजुकेशन का, जिसमें इन्होंने केयर थ्योरी दे दी, केयर्ड फॉर और केयर्ड अबाउट में जो है डिफरेंस बता दिया, और क्या क्या ये सोचती हैं उस बारे में बताया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट नेल नोडिंग्स। अगर आपको समझ नहीं आया है कुछ तो पूछ लीजिएगा, और अगर आपका मन है इनके बारे में और पढ़ने का थोड़ा सा, या आपके पास टाइम है, सो आप इनका कोई इंटरव्यू भी देख सकते हैं। ठीक है जी, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।